चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। किसान अपने डेब्ट चुकाने के लिए गधों, घोड़ों, डोंकीज और अपनी औरतों को भी दे भेजने लग गया है। आपको ध्यान जान आपको अगर जान के हैरानी होगी कि अभी वो इंटरेस्ट सर्विस इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे वो अपनी औरतों को चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसी तो हालत है इनकी। उसने एक मकड़ी को देखा, वो दीवार में वो चढ़ रही है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती। चीज है कि वो इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं चलती हैं। बेरी के इंडिया के अंदर सारे कोई दूध के धुले हुए हैं और कोई ऐसा कोई मसला होगा? नहीं, द क्वेश्चन इज कि इंडियंस वो समझते हैं वो कारोबारी माइंडसेट के लोग हैं। इस वक्त उसमें कूद रहा है ना, वो कहते हैं ना, जंपिंग इन फ्राई पॉन, फ्राई पैन में आप छलांग मारें, कि ये स्विमिंग पूल समझे, वो फ्राई पैन में छलांग मारते हैं। तो ये वो फ्राई पैन में छलांग मार रहे हैं जो इस वक्त, ये क्योंकि इतना ग्लोबल क्याओस है, इतना रीजनल क्याओस है। और अब चाइना ने बोल दिया कि हम तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हम सीपैक से बाहर निकल जाएंगे। पाकिस्तान वाले सारे हंस रहे थे कि हमारी जो दोस्ती है वो तो मधुमक्खियों के कांटे से भी ज्यादा तेज है और ये कभी भी टूट नहीं सकती। वो कभी भी, मैं शहद और वो नदियां और पहाड़ों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनकी दोस्ती जिससे हुई उसको इन्होंने ठगा ही है। चाइना जिस तरह की हमारी कौम पैदा हो रही है, इनके दिमाग ही नहीं है तो इन्होंने समझना और सोचना और वो क्या है। सो मुझे एक चीज समझा दें कि अगर चाइनीज भाग गए हैं तो क्या सऊदी जाके पैसा लगाएंगे, अमरातीज पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। खुश हो गए आज सारे वो लोग जो चाहते थे फॉरेनर्स भाग जाएं यहां से चाइनीज रूट, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड। मीटिंग्स हो रही है ऑन कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया उन्होंने? इमरान खान साहब को खुश होना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को खुश होना चाहिए। पहले जाते हैं चाइनीज सदर के पांव गोटे पकड़ते हैं, सर जी पाकिस्तान में आए, वो 10-20 कंपनियां भेजते हैं, वो यहाँ पे पैसे लगाते हैं। सीपेक को लेकर एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है, बिकॉज चाइना का एक बहुत ही बड़ा स्टील जायंट है जिसको कि हम लोग सेंचुरी स्टील ग्रुप के नाम से जानते हैं, उन्होंने दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक लास्ट नोटिस सेंड कर दिया है। तो हम लोग वो कारोबारी लोग नहीं रह गए, ठीक है? हमारा जो मुल्क है वो कारोबारी माइंडसेट वाला मुल्क नहीं है। हमारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे तमाशा अप्रोच है और सारे बंदा सारे बस वो जिसे कहते हैं बस इनकलाब इनकलाब इमरान खान को। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। चीन ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में और इन्होंने एक स्टील प्लांट वहां पे लगाया था, लेकिन पिछले 5 साल में चीन वहां पे प्रॉपरली स्टील बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि केपीके में उन्होंने ये स्टील प्लांट लगाया और अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है वहां पे इमरान खान को लेकर, और इससे पहले भी इतने हमले हुए हैं चीनियों पे कि चीनियों को मार के भगाया गया है वहां से, उनके साथ लूटपाट हुई है और बिल्कुल इस मिल को चलने और इस मिल को बिल्कुल भी चलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से चीन अब इतना नाराज है कि वो पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है और सी पैक भी अब बंद होने वाला है, पाकिस्तान की बिल्कुल वाट लगने वाली है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि चीन का जो निर्णय है पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का, क्या वो बिल्कुल ठीक है? और ऐसा भी लग रहा है कि चीन की ये मेल भारत में आ सकती है? आप इस सबके बारे में जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चीज है कि वो इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं चलती। बेरी के इंडिया के अंदर सारे कोई दूध के धुले हुए हैं और कोई ऐसा कोई मसला होगा? नहीं, द क्वेश्चन इज कि इंडियंस वो समझते हैं वो कारोबारी माइंडसेट के लोग हैं ना। उन्होंने आप देख लें गुजरात का एक पूरे का पूरा एटमोसफेयर ही चेंज कर दिया इस हवाले से। दे ऑल बिलीव इन के भाई हमें कारोबार करना है, वो गुजरात का माइंडसेट ही कारोबार है। यूपी में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, जिधर जिधर आप जाएंगे, साउथ में चले जाएं, बेंगलुरु में चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, ये सर जगह चले जाएं, वो कारोबार माइंडसेट से बैठे हुए हैं। उसने एक मकड़ी को देखा, वो दीवार में वो चढ़ रही है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। ये को 5-7-10 बार हुआ, फाइनली वो मकड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरमेंट इन जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। जाएं देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, सी पैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की
तो चीखें निकल गई, क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, हमने 500,000 टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी, और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे, और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी, 500,000 टन जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी, लेकिन वो कहते हैं पांच सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है, यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 15 लाख टन। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबले कबूल है। आप देखें उसके बाद आ जाएं, अब वो चाइनीज, आप देखें अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया और हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा है इनको बिजलियां देंगे, अब वो कहते हैं जी हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जांपल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं, चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पर सारा कुछ मिल रहा है, हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी की सारी। एंड देन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं दोस्तों कि एक चीज होती है कि आपके मुल्क के अंदर एक जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है, करेंसी की इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, कल प्रोटेस्ट हुए 485 अरब की स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हुई है, 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। मैं यहां पे दोस्तों से जो कारोबार करते हैं मैं उनसे मिलता हूं, वो कहते हैं जी हमारी तबाही मची हुई है, बिकॉज हम लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को भागते हैं, पहले बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करो, जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। देखें अब चाइनीज को सोच सकता था जी वेदर, एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया, यहां पे क्यों एटमॉस्फेयर देंगे हम, हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला क्या है, हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खिरात दो, हमारे लोगों को कारोबार नहीं करना, कारोबार में तो फिर वो तो कारोबार पैदा होगा ना, वो तो होगी ठीक है, बिजली महंगी, टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमें दी नहीं जाती, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहां पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की पोलिटिकल वोलेटाइल पोलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी आपको तंग कर रही है, अब वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया, $30 मिलियन होता कि खुदा का खौफ करो, संजानी में कर लें। मोहतरमा बुशरा ने इस पे इनकार किया और डी ब्लॉक पे डी चौक में इंसिस्ट किया, ये एक गलत फैसला था। आने वाला वक्त भी साबित करेगा, बल्कि कर चुका है। दूसरी बात, मैंने इस बात पे एतराज किया था कि सिर्फ फाइनल कॉल मत कहें, कत्तन जिंदगी में फाइनल कुछ भी नहीं होता, टिल डेथ सिचुएशन बदलती रहती है। बेशुमार लोगों को आप जानते होंगे, सुना होगा, एक जमाने में दिवालिया हो गए, उसके बाद वो करोड़पति बने, अरबपति बने,